इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फगन सिंह कुलस्ती जी, पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मरेश्वर पटेल जी, विभागीय सचिव श्री सुनील कुमार जी, राज्य के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रीगण, यहाँ उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित सभी पंचायतों, ग्राम प्रधानों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। अपने प्रयासों के बल पर आपने अपने पंचायत को विकास के इस शिखर पर पहुंचाया है। इसके लिए आप और आपके सभी पंचायतवासी प्रशंसा के पात्र हैं। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में भी आपकी पंचायत विकास की नई प्रतिमान स्थापित करते रहेंगी और दूसरी पंचायत के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगी। देवियों और स्वजनों, भारत गांव के देश है। देश की आत्मा गांव में बसती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान शहरीकरण में आई तेजी के बावजूद अधिकांश जनता गांव में ही निवास करती है। शहरों में रहने वाले अधिकांश लोग भी किसी न किसी तरह से गांव से जुड़े हैं। गांव वो आधारभूत इकाई है जिसके विकास होने के से पूरा देश विकसित बन सकता है। इसीलिए हमारे गांव को विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांव के विकास का मॉडल कैसा हो और ऐसे कैसे कार्य रूप दिया जाए, इसके निर्णय लेने के लिए उसकी अधिकार ग्रामवासियों को होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस बात को बेखूबी समझते थे, इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज के जरिए आदर्श ग्राम के निर्माण की कल्पना की थी। गांधी जी के लिए स्वराज सत्ता नहीं बल्कि सेवा का साधन था। कालांतर में भी अनेक महापुरुषों ने ग्राम विकास और स्वशासन के मॉडल प्रस्तुत किए और गांव के विकास के लिए प्रयास किए। ऐसा ही एक उदाहरण नानाजी देशमुख का है, जिन्होंने ग्रामोदय और स्वावलंबन के माध्यम से देश के अनेक गांव का उत्थान किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी ग्राम पंचायतों में स्वशासन के महत्व को रेखांकित करते हुए संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये ग्राम पंचायत के संगठन और उन्हें शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने का उल्लेख किया। इसी प्रावधान के मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार ने तेस्तुरीय संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। देवियों और स्वजनों, आप सब जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव करने का प्रावधान है, जिससे समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। लेकिन ये देखा गया है कि ये चुनाव लोगों के कभी कभी कटुता भी उत्पन्न करते हैं। ग्रामवासियों के बीच चुनाव के कारण आपसी मनमुटाव ना बढ़े, इसी के को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव को राजनीतिक पार्टियों से अलग रखा है। ये एक प्रामाणिक तथ्य है कि जिस समाज में परस्पर सद्भाव होता है, लोगों के एक दूसरे को विश्वास होता है, वो समाज ज़्यादा फलता और फूलता है। इस संदर्भ में मैं गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2001 के बजट में शुरू की गई समरस ग्राम योजना का उल्लेख करना चाहूँगी, जिसके तहत उन पंचायतों को पुरस्कृत करने का प्रावधान था जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव सर्वसम्मति से यानी बिना चुनाव के किया है। इस योजना के पीछे सोच ये थी कि गांव में शांति और सद्भावना बने रहे और चुनाव के कारण आने वाली कड़वाहट से बचा जा सके। मेरा मानना है कि गांव परिवार का ही विस्तृत रूप है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सारी सामुदायिक कार्य यथासंभव
आम सहमति से होने चाहिए। अगर चुनाव की नौबत भी आए तो ये चुनाव ग्रामवासियों में विभाजन ना लाए। देवियों और सज्जनों, आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा अधिक संपन्न, अधिक समतावादी, अधिक संरक्षित विश्व की रचना के लिए वर्ष 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस गोल्स की प्राप्ति के लिए भारत सरकार भी प्रतिबद्ध है। वस्तुतः सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना इसी प्रतिबद्धता का परिचायक है। मुझे बताया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 9 थीम्स में समाहित किया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि इन थीम्स के आधार पर ही राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि पंचायती राज मंत्रालय का ये कदम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए मैं केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ। संविधान की 11वें अनुसूची में उल्लेखित 29 कार्यकारी विषयों पर पंचायत को कार्य करने की शक्ति दी गई। इन विषयों के अंतर्गत आने वाली योजनाओं और कार्यक्रम का क्रियान्वयन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी मंत्रालय, राज्य सरकारों एवं अन्य हिताधिकारियों के बीच बेहतर कन्वर्जेंस और उनके साझा प्रयास आवश्यक है। देवियों और सज्जनों, किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। महिलाओं के पास अपने और अपने परिवार तथा समाज के भलाई के लिए अधिक से अधिक निर्णय लेने के अधिकार होनी चाहिए। ये अधिकार परिवार और ग्राम स्तर पर उनके सशक्तिकरण से प्राप्त होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि देश में 2,75,000 से अधिक ग्रामीण निकाय के 31,50,000 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46% महिला प्रतिनिधि है। मैं बहनों और बेटियों से अपील करूंगी कि वे ग्राम पंचायत के कार्य में सक्रिय रूप से भागीदारी करें। मैं उनके परिवार से भी अपील करूंगी कि वे अपने घर की महिलाओं के इन प्रयासों से सहयोग दें। देवियों और सज्जनों, आज ग्लोबल वार्मिंग मानवता के लिए बहुत बड़ी खतरे के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। इस वैश्विक चिंता से निपटने के लिए खास तौर पर प्रयास करने की जरूरत है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए सबके प्रयास और साथ की आवश्यकता है। आज स्थायी हरित ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए पंचायतों को पुरस्कृत होते देखकर मैं संतुष्टि होती हूँ। जमीनी स्तर पर भी इस समस्या का समाधान के प्रयास हो रहा है। पंचायत केवल सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन का स्थान नहीं है, बल्कि ये नई नई नेतृत्वकर्ता, योजनाकार, नीति निर्माण और इन्वेस्टर को पैदा करने का स्थान भी है। एक पंचायत के बेस्ट प्रैक्टिसेस को अन्य पंचायतों में अपनाकर हम अपने गांव को तेजी से विकास, विकसित और समृद्ध बना सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आगामी 4 दिनों तक विषय आधारित सम्मेलनों में पंचायत की उपलब्धियां और SDGs में उनके योगदान पर चर्चा होगी। मुझे विश्वास है कि इस मंथन से निकला अमृत देश की पंचायतों के विकास और ग्रामीणों के कल्याण की दिशा में
मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ फिर भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।